चलो आओ, चलो चलते हैं। तो क्या लग रहा है हम क्या कर रहे थे? मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि यह भविष्य तुम्हें कुछ भी दे सकता है। अरे रुको, क्या चाहिए तुम्हें? अगर अपने ऊपर संयम रखोगे तो भविष्य तुम्हें बनाकर देगा, किसी नई तकनीक के द्वारा। शायद वो भी बनाकर दे जिसकी तुम्हें अब जरूरत भी ना हो। पर एक बात याद रखना, हमारा जवाब भविष्य में ही लिखा है। क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ। क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? या वापस जाना है? वो क्या है बॉस? चलो यहाँ से। जैकी, प्रोफेसर हापर बोल रहा हूँ। किसी ने गोली नहीं मारी, बहुत बढ़िया। मुझे वो वैन मिल गई और उसमें कोई नहीं मिला। मेरा भी बैग पैक कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सच में? और तुम अपने भाई को मत बताना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये काम मैं उसे बिना बताए कर रहा हूँ, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जैसे उनके पास 10,000 बच्चे हो? तुम अभी 13 साल की हो, अपना मुँह बंद रखना चाहिए। तुम अपना मुँह बंद रखो। टाई टाई बेस्ट फ्रेंड बड़ी फादर। ओह हाय जैकी, चलो घर आ गया है। क्या इन्होंने बोला तुम्हें मुझे ना बताने के लिए? उसने किसी खास कारण से तुम्हें नहीं बताया। चलो आओ आओ, कम ऑन। हे बॉस, सॉरी, मुझे माफ करना, पर आज गाड़ी टेलर ड्राइवर करेगा और इसके लिए वो मेरी मदद करेगा। तो आज आपने देखा, आपको वहाँ वैन मिली है ना, तो हम कब जा रहे हैं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतने कम समय में बैग पैक करने के लिए। No problem. और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। ये सब टेलर का नतीजा है। सिचुएशन थोड़ी चेंज है, मैं अकेले जा रहा हूँ। तुम्हारी पीठ का ख्याल कौन रखेगा? मेरा बॉस और कौन? मैं सीरियस हूँ। एक दशक से इस जमीन पर कोई नहीं आया है, तो तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, समझे? ठीक है, हम थोड़े टाइम में वापस आ जाएंगे। मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? और इस समय अगर तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेनी है तो वो है तुम्हारा इवेल्युएशन, जिसकी डेट खत्म हो गई है। तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, और तुम्हें भी। ये देखो, ट्विंसीज। ये हुई ना बात, थैंक्स। मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ढूंढ लोगे? हाँ शायद, और अगर किस्मत अच्छी रही तो ये भी जान जाऊंगा कि वो लोग क्या ढूंढ रहे थे। कम ऑन बॉस। टेंशन मत लो, ये भविष्य की तैयारी है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? शांत रहो। तो तुम अभी भी यहीं हो?
खुश जा। ये तो दीवार है, जैकी उठो जल्दी। जैकी हाय, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और शायद हमें पैदल चलना पड़ेगा। नहीं, मैं इतनी पैदल नहीं चलने वाली हूँ। वहाँ पर 100 मील के बाद सिग्नल भी नहीं मिलता, तो हम वहाँ किसी को पिकअप करने के लिए कैसे बुलाएंगे? क्या तुम किसी को जानते हो जिसके पास कार या ट्रक हो? Somebody, anybody। ये तुम कर क्या रही हो फोन के साथ? मैं उसे फोन नहीं कर रहा। तो फिर एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जिसके पास गाड़ी हो, जो अपनी गाड़ी हमें दे शनिवार की सुबह 6 बजे। तो मैं बता दूं कि वो उसकी गाड़ी नहीं है, उसके डैडी की गाड़ी। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कि वो अपनी गाड़ी हमें दे सके। हम एक ट्रक किराए पे ले लेते हैं। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। नहीं, क्या रहा? हे सुनो, मैं जैकी टेलर की दोस्त बोल रही हूँ, आर्कियोलॉजिक्स प्रोग्राम से। शुक्रिया पूछने के लिए, मैं बहुत अच्छी हूँ। सुनो, टेलर तुमसे कुछ पूछना चाहता है, मैं उसे फोन दे रही हूँ। बात करो। अरे बात करो। सॉरी, तुम नींद से तो नहीं उठी ना? क्या कर रही हो तुम? बोलूं? क्या बोल रही है? तुम क्या कहती हो अगर मैं तुम्हें एक बढ़िया सुझाव दूं जो इससे ज्यादा एडवेंचरस होगा, जिसे करने में तुम्हें मजा आएगा और तुम एंजॉय भी करोगी? सुनो, तुम्हें अपने डैडी की जीप लानी पड़ेगी। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, तुम वहां पर आ जाना। ओके? वीव्स केरा की छोटी बहन। वैसे तुम्हें बच्चे पसंद है क्या? मस्त। ओके, तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ने जा रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन केरा अपने बॉयफ्रेंड की सिली ट्रिप के लिए मेरे स्कूल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर रही है। ओके डैड, समझ गई। डैड समझ गई। तुम्हें प्यार से ट्रीट करना चाहिए, जितने प्यार से रिलेशनशिप को ट्रीट करती हो। जितना प्यार दोगी उतना प्यार मिलेगा। बैलेंस करना आना चाहिए। डैड, क्या वो मेरा अच्छा दोस्त है? ओके, और मुझे आपकी रिलेशनशिप एडवाइस की बिल्कुल जरूरत। और वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है, हैंडसम भी है, तुम्हारे साथ अच्छी नहीं भीगी। आप चाहते हैं कि मैं उसे आपका नंबर दे दूं? आप पसंद करते हैं? अगर मैं पसंद नहीं करता तो ये जीप क्यों देता? तो आज सुबह सुबह की ताज़ा खबर ये है कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मैं और जैकी प्रोफेसर हॉपर्स के असिस्टेंट हैं। हम लोग एक सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट खोए हुए हैप्पीज को ढूंढने का है, जो 1970 के दशक में गुम हो गए थे। वो वहाँ कुछ ढूंढने के लिए गए थे और फिर फाउंटेन ऑफ यूथ से वो गायब हो गए अचानक। क्या? फिर वो कभी वापस नहीं आए। फाउंटेन ऑफ यूथ? सच में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग वहाँ चल के मेरी मदद करो। तुम लोग बस कार में बैठ के मेरा इंतजार करना। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे वीव्स को पढ़ाने के लिए क्यों कहा? अरे, हम फर्वी को लाना भूल गए। बोलो, क्या ये जरूरी है कि वो हमारे साथ चले? उससे एक अजीब सी बदबू आती है और उसके नाखून भी गंदे होते हैं। अगर वो ज्यादा समय तक अपनी माँ से दूर रहा तो उसको दौरे पड़ने लगते हैं। माँ, टेंशन मत लेना, मैंने उसकी दवाई रख दी है। तुम्हारे पास फोन तो है ना, मैं कॉल करूँगी। ग्रेट, तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग रात तक वापस आ जाएंगे। नो बूज, नो मैडम, नो नशा, नो मैडम, नो गर्ल्स, एब्सोल्युटली नो गर्ल्स। मुझे पता है कि वो उसकी एज है। उस दिन मैं उसके रूम में बिना नॉक करके गई तो पता है वो क्या कर रहा था? तुम समझ सकते हो। चलो चलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आई लव यू बच्चा लोग। आई लव यू ऑल। ओके ओके मम्मी। तुम अपना कैमरा इस स्टैंड पर लगा सकती हो। ये लो, ये मेरा वाईफाई है। इसका पासवर्ड है फार्ट पार्टी। और ये तुम्हारे लिए माय लव, ऐसे नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ फर्वी के साथ कौन रिस्क करना चाहेगा? मैं अकेला ही काफी हूँ, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कम ऑन मैन, थैंक यू फार्ट पार्टी। हम लोग मिलकर यहाँ फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढेंगे। जैसा मेरी लव कहेगी वैसा ही होगा, और उसके बाद मैं तुम्हें फाउंटेन ऑफ फर्वी भी दिखाऊंगा। जैकी, वो ये देखो गाइस, इस जगह को ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल है बिना किसी सैटेलाइट मैप के। इस वैन को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वैन बहुत पुरानी है। हे सही कहा, पर कोई डरने वाली बात नहीं। हाँ, इसमें जरूर मिलेंगे। वाओ, क्या इसमें सोने के सिक्के हैं? ये गंदा है। जैकी, द हॉपर्स? हाँ, तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर हॉपर वहाँ गुम हुए हैप्पीज को ढूंढने के लिए नहीं गए थे, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने गए थे।
दोस्तों हमें एक पिक्चर लेनी चाहिए पोस्ट करने के लिए, चलो मेरी मदद करो, ये आज तक की सबसे अच्छी प्रोफाइल पिक्चर होगी। रेडी? ठीक है। सब मिलकर कहो टीम हॉपर। टीम हॉपर। सब कहो टीम फॉबी। टीम फॉबी। तुम लोग बेकार हो, यहाँ और पीछे का दरवाजा खोलो। हाँ मेरी जाने मन। मुझे माफ कर दो। तुम्हें ये प्लीज मम्मी को मत बताना। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं फिसल गया इस रस्सी के ऊपर। ये क्या है? प्लीज रुको, ये शायद एक जाल है। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ट्रैप है। सच में? टेंशन मत लो, ये ट्रैप हमारे लिए नहीं है। शायद उन्हें बच्चे नहीं पसंद है इसलिए। हाँ? वो क्या है? क्या वो केव्स हैं? शांत हो जाओ, तुम यहाँ सब नोट करने आई हो। वाओ, ये काफी बड़ा है। नहीं वीव्स, प्लीज मेरे पास रहो। किसी ने गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया कि यहाँ चमगादड़ होते हैं, भालू है और राक्षस और मकड़ी भी। अच्छे से पेश आओ, परेशान मत हो। वो देखो मकड़ी, कुछ भी हो वो मुझे खाना चाहती थी। जैकी कौन है? मैं यहाँ हूँ, यहाँ रस्सी तो खत्म ही नहीं हो रही है, मैं रेंगते हुए जा रही हूँ। ये क्लिफ के पास जाता है, ज्यादा दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। रुको, ये काफी ऊपर है। रस्सी पर से हट जाओ। चलो आगे बढ़ो, ये रूम काफी बड़ा है, हमने हमारा काम कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे गया था और वापस ही नहीं आया। किसी ने ये रस्सी काटी है क्या? ये कहीं से भी हॉपर की रस्सी नहीं हो सकती, ये काफी पुरानी है। ये रस्सी कहाँ तक जा रही है? मैं नहीं बता सकती पर काफी लंबी है, नीचे देखने के लिए। क्या वहाँ कुछ है? कुछ है, मैं आता हूँ। प्रोफेसर हॉपर, क्या आप नीचे हैं? तो हमें एक और चक्कर भी लगाना चाहिए सुरक्षा के तौर पर। वो क्या रहा है वहाँ? ठीक है तुम यहाँ रुको, देखते रहना जब तक हम वापस नहीं आ जाते। वैसे हमें वहाँ पर कितना टाइम लग सकता है? हाँ, सब उस पर डिपेंड करता है कि उसे कितना टाइम लगेगा। चलो ठीक है। मुझे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी कभी कुछ ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। क्या ना, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या वो नहीं है? नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि लड़की ही नहीं है। ओ, वो एक पूरी लड़की है। प्रभी तुम चुप रहो प्लीज। वो अच्छी है। प्लीज यार तुम चुप रहो। ये तुम अपने पास रखो। ये बहुत गहरा है और कितनी दूर तक जाएगा? हमें नहीं पता ये सब कितना दूर तक जाएगा, और फिर भी हम जा रहे हैं। हाँ, अगर हमें ज्यादा दूर जाना पड़ा तो मेरे बैग में पानी और कुछ खाने के लिए है। बाद में बात करते हैं। मैं तुम्हें मिस करूंगा। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। मुझ पर विश्वास किस चीज के लिए? हाँ नहीं पता दोस्त, पर ये सुनने में अच्छा लगा। लेकिन हम तुम्हें नीचे से आवाज देंगे। तो क्या एक चांस हाँ के लिए, दूसरा ना के लिए और तीसरा तुमसे प्यार करने के लिए? तुम्हें यहाँ ध्यान देना चाहिए। मैं 13 साल की हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, पर तुम्हारे पास सेफ्टी के सामान है जैसे फुट होल्स, हेलमेट्स और सुरक्षा केबल्स? हमें इसमें मजा आता है, तुम मेरा और जैकी का इंतजार करो ऊपर। जैकी यहाँ आओ। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जैकी को पता है वो क्या कर रही है। विप्स कुछ तो आनंद उठाने दो, और अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पास दूसरे हेयरनेस हैं, हमारे साथ आओ। तुम पे मेरा उधार रहा, तुम्हें पता है ना? हाँ। हे संभल कर। मुझे मिल गया। हेलो, क्या तुम सुन पा रहे हो? सब ठीक है, उन्होंने आवाज दिया होता अगर कोई दिक्कत होती तो। तुम्हें क्या लगता है? अब वो तुम्हारी छोटी बहन होने का फर्ज निभा रही है और तुम उसकी बड़ी बहन। वीव्स, कम ऑन वीव्स। वीव्स। हे बस करो। चेलो तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
हम आधे रास्ते पहुंच गए। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। ये पागलपन है, ये बहुत खतरनाक है। क्या? ये अजीब है, तुम महसूस कर सकते हो। जैसे यहाँ ना दिखने वाली दीवार है जहाँ हवा एकदम बदल सी जाती है। चाहिए कार में जाओ। ये क्या है? चलो कमॉन कमॉन। प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज मत मारना मुझे। मैं यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूं, मैं यहां गुफा की तलाश करने आया हूं। हमारी बैटरी खत्म हो गई है और मेरा डॉग भी खो गया है। मैं तुम्हारा ट्रक चेक करूंगा जंपर केबल्स के लिए। मैं यहां कुछ चोरी करने नहीं आया हूं, सिवाय कार के बैटरी के। जैकी, जैकी, टेलर, तुम लोग हो यहां? हेलो, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि सुबह मैंने नाश्ता किया था या नहीं। हेलो,
मैं नीचे का हिस्सा देख सकती हूँ। देखो इसने अपना दिमाग बदल दिया। तुम एक मंझेल खिलाड़ी लगती हो। मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ जुड़ी हो। हाँ ठीक है, सुन के अच्छा लगा। मैंने कुछ भी नहीं सुना और शायद जैकी ने भी नहीं। हाँ तो कान चेक कर लेते हैं, मैं 10 मिनट से चिल्ला रही हूँ। कितना अजीब है ये सब। ये एक बोरिंग है, चलो जाके इसे देखें। चलो जाते हैं, ये एडवेंचर का समय है। ये कितना सुंदर है। हम जाके इस टनल को देख कर आते हैं। Hey, Weaves, साथ में रहो। प्लीज कम ऑन, संभाल के यहाँ पर आओ। रुको मैं नहीं हूँ, ध्यान से चलो। ठीक है, वो देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। बहुत अच्छा दिख रहा है। तुमने कुछ सुना? सोच रही थी। ठीक है, गाइस सुनो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये बहुत डरावना है। ये अजीब आवाज सुनकर हम इतनी दूर यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आए। टेलर सच में? मैं यहाँ रुक रहा हूँ। अजीब आवाज है, कोई चिल्ला रहा है, चलो अब। रुक जाओ, मैं हॉपर के बिना नहीं जा सकता हूँ। कह रहे रुको, मैं जल्दी चढ़ सकती हूँ। फर्बी और मैं तुम्हें जल्दी ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है? मैं नीचे आऊंगी जब वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? तुम लोग तैयार हो? जैकी, जैकी क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ जैकी? जैकी संभाल के, ये लो, एक मिनट संभाल के। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ये लो। ये भगवान, ये फर्बी, क्या ये उसने किया है? फर्बी नहीं कर सकता। फर्बी, ये सब नाटक बंद करो भगवान के लिए। बाकी की रस्सी नीचे फेंक दो स्टूपिड, तुमने जैकी को मार ही दिया था। क्या तुम सुन रहे हो? वो कुछ बोल नहीं रहा। भाई क्या तुम ऊपर हो? उसने ऐसा किया क्यों? मैं फर्बी को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या हुआ? मुझे उसका हार्नेस लग गया जब वो गिरी। सही है, वो टूट गया। ठीक है, मुझे मिल गया। क्या उसने रस्सी काट दी है? क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं। गाइस हमें यहाँ से निकलने का प्लान ढूंढना होगा। हमारे निकलने का प्लान ये है कि जफरा भी हमारे लिए रस्सी फेंकेगा। पर क्या तुम उस हाथ से ऊपर चढ़ पाओगे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तुम नहीं चढ़ पाओगे। क्या? नहीं, वो 90 फीट का है, अगर वो गिरी तो मर जाएगी। ओ तेरी। ओ। मुझे रेडियो दो। हाँ। मुझे तो एक ग्रेड ही मिलेगा। ओ, नो। फ्रबी, ये मस्ती बंद करो, ठीक है? हमें यहाँ कुछ दिखा है और तुम वो रस्सी जल्द से जल्द नीचे फेंको। फ्रबी, फ्रबी, चाइम बटन को दबाओ। नीचे कुछ है क्या? उनके पास रेडियो है? प्रोफेसर हॉपर, मैं टेलर हूं, आपको बाहर निकालने आया हूं। मेरी मदद करो। केरा, प्लीज। तुम कौन हो? प्लीज मेरी मदद करो। प्रोफेसर हॉपर, क्या आप हैं? मैं फर्बी हूँ, टेलर मेरी मदद करो। क्या उसने क्या कहा? वो फर्बी है? उसकी आवाज फर्बी जैसी नहीं है। कौन है? कौन है उस चैनल पर? मेरी मदद करो, मैं फर्बी हूँ। रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है?
मैं पता लगा के ही रहूंगा। नहीं, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। चलो। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते, प्लीज मेरी बात सुनो। वो एक इंसान जिसको खुद के बचाव का मौका ना मिले, मैं वो मौका तुम लोगों के साथ लूंगी। क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, अगर वो होता तो तुम्हें यही कहता, प्लीज यही रुको। कौन रुकेगा हमें? देखा, अब पता चला मैं इन्हें गुफा में क्यों नहीं लाना चाहती थी। कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं अगर उस बच्चे ने रस्सी ना काटी होती तो। उसने रस्सी नहीं काटी। मुझे लगता है क्लास प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ऐसे सब लोग कैमरे पर रिकॉर्ड होते हैं ताकि तुम प्रूफ कर सको कि हुआ क्या है। अगर वो लाइट चमका रहा है तो घुमा भी सकता है। हम यहाँ पर बैठ के वेट कर सकते हैं, या फिर हम वो कर सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। बाय दोस्तों, मैं आ रहूंगी। मुझे लगता है मैं यहाँ समय से बाहर हूँ। जाओ जाके इंतजार करना जैकी। हाँ, आगे बढ़ो और साइड में इंतजार करो, ब्लेयर वॉच तुम्हें मिलेगी अभी। मैं उसे फिर से नहीं सुन सकता। तुम्हें लगता है उन्होंने इसे फिर से बंद किया होगा? वो शायद ऐसा कर सकते। अपना सर संभाल के। प्रोफेसर होपर, ये गुफा काफी पुरानी लग रही है। प्रोफेसर हॉपर, इसकी बनावट की तरफ देखो। अच्छा, तुम गुफा विशेषज्ञ हो? मैं पापा के साथ डिस्कवरी चैनल देखती हूँ। आगे रोशनी है। दोस्तों, फर्बी, ये रोशनी ऐसी क्यों चल रही है? मुझे नहीं पता, आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये कितना अजीब है। ये टनल खत्म हो गई तो? मुझे लग रहा है कि फर्बी फ्लैशलाइट से खेल रहा होगा। हे फर्बी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ एक रस्सी है। ओह माय गॉड, ओह गॉड, टेलर वीव्स को दूसरी तरफ ले चलो। क्यों? बस उसे दूसरी तरफ ले चलो। क्या हुआ? डैम इट टेलर, बस उसे दूसरी तरफ ले चलो। हाँ चलो, चलो। वो इतना डर क्यों रही है? मुझे नहीं पता, तुम्हारी बहन ही शायद इसलिए डर रही होगी। वो क्या है? रुक जाओ। और दोस्तों, क्या चल रहा है? अरे, ये कर क्या रही है? अरे कुछ नहीं, बस चल नहीं पा रही हूँ। और तुम लोगों ने तो मुझे उस डरावने रूम में छोड़ दिया था। वैसे भी तुम लोग मेरे बारे में जानते ही कितना हो। आराम से ठेला। संभाल के बस यहीं बैठ जाओ। नहीं, इधर मत आओ। तुमने ऊपर क्या देखा? आराम से कैरा, हम सब एक ही चीज से गुजर रहे हैं। टेलर, तुम्हारा कैमरा यहाँ चल क्या रहा है? कैरा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं। ओह माय गॉड, कैरा, कब से देख रही हूँ, बहुत हुआ ये राज, बात क्या है? वहीं पर रुको तुम, हम इसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। किसे छोड़ के? जैकी, उसे यहाँ आने मत। क्या वो हॉपर है? यहाँ मत आना, ठीक है? प्लीज, रुको। ओ गॉड, कह रहा नहीं, क्या वो फर्स्ट नहीं? नहीं 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 नहीं, क्या वो ठीक है? हाँ, क्या वो ठीक हो जाएगा? मुझे लग रहा है उसका गला उठा हुआ है। रुको,
मुझे पता है हम ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था और किसी ने रस्सी काट दी। ये हम में से कौन कर सकता है, और भी किसी की रस्सी क्यों काटेगा? उसे तो नीचे का रास्ता ही नहीं पता था, वो नीचे कैसे आ गया? अरे वाह, कैमरा चालू है। कोई भी चीज है जो उसने अपने बैकपैक में नहीं लाई? शायद एक हुक अच्छा होता है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? मुझ पर विश्वास किस चीज के लिए? हाँ, नहीं पता दोस्त, पर ये सुनने में अच्छा लगा। लेकिन हम तुम्हें नीचे से आवाज देंगे। तो क्या एक चांस हाँ के लिए, दूसरा ना के लिए और तीसरा तुमसे प्यार करने के लिए? मुझे नहीं पता कि ये रेस्क्यू वाले जोक कर रहे हैं, यहाँ तो काफी शांति लग रही है। बेहतर होगा कि हम खुद जाकर नहीं कराएं। कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अजीब है और शायद थोड़ा सा डरावना भी, और मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा था, पर अब ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ज्यादा सोचूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब मुझे बाथरूम जाना है। दोस्तों, मैं काफी समय से कोई जगह ढूंढ रहा था और देखो मैंने क्या ढूंढा, एक गुफा, एक रस्सी और एक जीप। क्या तुम्हें लगता है हॉपर इधर गया होगा? क्योंकि मुझे लगता है। अच्छा काम किया शेरलॉक, तुम गलत होल से नीचे गए। मुझे हॉपर के डैड की जर्नल मिली और लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही हर्बल मजे लिए थे अपने बुढ़ापे में, और लगता है फाउंटेन ऑन यूथ वाले दोस्तों से भी प्रेरित हो गए थे। देखो यहाँ एक स्पेनिश लोगों की चित्र और कहानियाँ हैं गुफा ढूंढने के बारे में, जिसमें कहा है कि पूर्वज लोग पानी के जरिए बाहर आ सकते थे। कहा जाता है कि रानी ने इस जादुई पानी को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा था। आखिर ढूंढने वाले अलमाओ के नॉर्थ वेस्ट में गुम हो जाने की खबर भी आई थी। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है, और ये सबसे आखिरी चीज है जो मुझे पढ़नी है, वो भी अंधेरा होने से पहले। गाइस, सनसेट क्यों हो रहा है? ये अंधेरा कैसे हो रहा है? अभी तो एक ही बजा है। ऐसा लगता है कोई आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाइस, ये जरूर एक मजाक होगा। भगवान करे कि ये मजाक ही हो, बस ये सच ना हो। तो अगर फरबी मर गया हो तो वो मजाक नहीं करेगा। आधी रात हो गई और तुम लोग अभी तक वापस नहीं आए। मेरे फोन में कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता इस चीज को चलाते कैसे हैं। तो क्या रहा, जब तुम ये देखोगी तब तुम आराम से मजे लेना मेरी माँ के गुस्से का। ओके, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा घबरा गया था तो इसलिए मैंने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और हॉपर के पापा की जर्नल पढ़ने लग गया। तो ये जादुई पानी की कहानी सदियों से बहती आ रही है, पर जब हॉपर के पापा को बच्चे हुए और उनकी बेटी बीमार हुई तब वो गुफा ढूंढने के लिए निकले थे, जिसका मतलब ये है कि लड़की की वजह से मेरे दोस्त गुम हो गए और वो मुझे अब खा जाएगा। ओ हेलो, मेरी माँ को तो हार्ट अटैक आ गया होगा क्योंकि कल रात से मैं घर नहीं गया। और उससे बुरा क्या है, ये मुझे अभी ख्याल आया कि किसी ने उन्हें नहीं बताया था कि हम हैमिल्टन पूल जा रहे हैं। मेरा भाई जैकी, अरे ये जो टीम बिल्डिंग, ये दिमाग खराब कर देने वाला है। इसमें अलग जाने का मतलब क्या है गुफा में? मैं एक तो यहाँ अकेला हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि वापस कैसे जाना है, और मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आ रहा है। आज ट्यूसडे है, जीप बंद हो गई है क्योंकि मैं पूरी रात भर रेडियो सुन रहा था, अंधेरी की वजह से डर न लगे इसलिए, और सारा खाना भी खा लिया और पानी भी पी गया, और अब तक मैंने सोच लिया था कि मेरे सारे दोस्त मर चुके होंगे। बस एक ही रास्ता है कि मैं जिंदा रह सकता हूँ, अगर मैं हॉपर के रस्सी से चढ़ जाऊँ तो। ठीक है, ये मेरी माँ के लिए, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं अपने नए दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, और मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद करते हैं। और कोई कारणवश वो तुम्हें मिले?
तो कृपया करके घर आ जाना। उम्मीद है कि कोई मदद मिल जाए। शांति शांति शांति। ठीक है ठीक है, चलो मौज करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। शांति 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 शांति। वो देखो, ये क्या है? ये क्या है? उसने कुछ देखा है। हे भगवान, प्लीज बंद कर दो इसे। तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया? क्या तुम संतुष्ट हो गए या तुम्हें हमारे मरने का इंतजार है? ये टाइम कोड काफी दिनों तक रहता है और हम एक घंटे से यहाँ पर हैं। मुझे लगता है हम शायद चलते चलते सो गए होंगे। तुम मजाक कर रहे हो? मैं कभी नहीं सोई। क्या तुम सोए हो? क्या तुम सोए हो? कोई नहीं सोया है। प्लीज शांत हो जाओ। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या कहूँ? क्या मेरे पास इसका जवाब है? तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, पर अब एक ही विकल्प है जो हम में से किसी के पास भी नहीं है। और वो विकल्प क्या है? तुम एक ही हो जिसके पास चढ़ने का मौका है। शायद मैं ये कर सकती हूँ। नो, ये विवश हो या तुम, या तो हम गुफा के अंदर तक जाए। बड़ी हिम्मत करके जाना पड़ेगा। नहीं, ये बहुत ही डेंजरस है। तुमने देखा ना क्या हुआ? ये ज्यादा डेंजरस है अगर हम यहाँ रुके। कोई उधर है जो रस्सी काट रहा है। मेरे पास रस्सी नहीं है काटने के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं हो सकता था। तुम उसे देखने गए जो गुम हो गया था, और वो उसे देखने गया जो गुम हो गया था। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मुझे नहीं पता, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ सामने कोई है जो रस्सियों को नीचे गिरते हुए देखता है। ठीक है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम इन सबके साथ यहाँ ठीक हो? पर क्यों? उसने ठीक कहा। मैं ही हूँ जो सबको बाहर निकाल सकती हूँ। शायद वो अभी भी घूम रहा है। मेरा भरोसा करो। हे, हे, जरा रुकना। ये लो, इसे अपने साथ ले जाओ। ये जीपीएस है, ये एसओएस भेज सकता है दुनिया में कहीं से भी। ये जमीन पर काम करेगा। मुझे एहसास हो गया है कि हम बहुत बुरे फंस गए हैं, क्योंकि वो ढूंढने आए थे जो गुम हो गया है, और वो गुम हो गए हैं जिसे वो ढूंढने आए थे। और सुनो, बिना किसी की मदद के नीचे मत आना। मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ जो चल रहा है तुम्हें पता है? नहीं पता है। तुम्हें नहीं बताना है? ठीक है, पर मुझे बस इतना तो बताओ कि मैं किस पर चढ़ रही हूँ। इतना तो बता सकते हो ना? मुझे लगता है सूरज है, या फिर दिन और रात होगी, इसीलिए तो टाइम कोड वीडियो को मैच नहीं किया। सच में? ये सबसे बेकार चीज होगी जो मैंने सुनी है। मैंने तो बस ऐसे ही कहा। तुम गिरना मत। मैं यहीं पे रहूंगा। याद रखना, कुछ गड़बड़ हो तो पहले सबको बता देना, फिर रस्सी गिरा देना। हाँ, मुझे पता है पता है। सबको बता दो, फिर रस्सी गिरा देना। नीचे मत देखना। वो दो बार भेजना जब सैटेलाइट से कांटेक्ट हो। नीचे मत देखना। ओके, okay.
कहाँ हो? बस इधर ही हूँ। हवा को बदलती देख सकती हूँ। कहने का मतलब क्या है? मैंने आज तक पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सब खत्म हो गया है, ठीक है? यहाँ कोई झाड़ नहीं है, कोई घास नहीं है, बस पत्थर है, हर तरीके के पत्थर। रुको, जीपीएस का क्या हुआ? मैंने उसे एक्टिवेट करने की कोशिश, कोई सिग्नल नहीं मिला। वो काम कर रहा है, मैंने जीप में निकलने से पहले देखा था। मैंने हर जगह चलकर देखा पर उसे चालू नहीं कर पाई। हेलो, चलो मुझे मिल गई थोड़ी सी मदद। मुझे लगता है कोई बॉम्ब फूटा होगा। जब हम नीचे आ रहे थे आसमान में कुछ अलग सा है। रुको रुको, मैं बताती हूँ नीचे आके। ये सिर्फ एक विचार है, अच्छा हुआ तो मिल गई। नीचे आते वक्त ध्यान रखना। क्या रे, चलो। कहाँ चलो? तुम तो 2 सेकंड के लिए गायब ही हो गई थी। अगर तुम्हें चढ़ाई नहीं करनी है तो मत जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मजाक करने का अच्छा समय नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। इस बकवास प्लेबैक को देखो। हाँ देख लो। तुम ठीक हो? ठीक है। याद रखना, कुछ गड़बड़ हो तो पहले सबको बता देना, फिर रस्सी गिरा देना। हाँ मुझे पता है, पता है। सबको बता दो फिर रस्सी गिरा देना। क्या कहोगे तुम? मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। वेव्स चालू करो। कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। ये देखो। मैं ऊपर बस 30 मिनट के लिए थी।
ये सेकंड्स की रिकॉर्डिंग है। मैंने जीप से निकलते हुए तुझे चेक किया था। ये टेप्स कुछ अलग हैं। हाँ, ये टेप्स अलग हैं। क्या चल रहा है टेलर? मैंने एहसास किया जब हम प्रभी का टेप देख रहे थे, एक रात निकल गई थी फुटेज में और गुफा निकल रही थी जीप के पास, लेकिन किसी इंसान ने रूप को कट कर दिया। खिंचाव चल रहा था काफी लंबे समय से। क्या समय अलग तरह से चल रहा था जब हम यहाँ गुफा के नीचे थे? क्या वो देखो सूरज, धूप एकदम सर पे है। हम जब रवि का टेप देख रहे थे तो हमारा समय वहाँ के समय से अलग था जबकि हम साथ में आए थे। क्या तुम कब तक वहाँ नीचे थे? मेरी डेट थी इस वीकेंड। सच में हम यहाँ काफी हफ्तों से नहीं, शायद महीनों से। प्लीज मुझे माफ कर दो वीव्स, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। हे भगवान, सिर्फ मैं ही रो रही हूँ। तुम 13 साल की हो ना? मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मेरी एक बहन है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगी। वाओ, तो वो जब भी होता है वही दिन होता है। रुको, तो फाउंडेशन ऑफ यूथ, तो अगर समय रुक जाता है तो हम सदा जवान रहेंगे? दोस्तों ये सच में फाउंडेशन ऑफ यूथ है। कुछ नहीं, ठीक है, हमें वहां से बाहर जाना चाहिए। हमें बीच में ज्यादा रस्सी रखनी पड़ेगी जो कि हमारे पास है, और वहां दूसरे कमरे में भी। किस लिए? तुम चाहते हो कि मैं रस्सी के साथ ऊपर चढ़ूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा समय आराम कर लो। मुझे बस 10 मिनट दो। 10 मिनट? हमारे पास 10 मिनट नहीं है। मुझे और टेलर को चढ़ते चढ़ते काफी टाइम लग जाएगा। कितना दूर है यहाँ से? आधा घंटा। कैरा, तुमने प्रभी को नीचे गिरते हुए देखा था ना? हाँ, क्यों? वीडियो में वो उस तरफ था और उसका रेडियो टूटा नहीं था, तो ये रेडियो कैसे टूटा? रुको, यही है। रॉबी, नाटक बंद करो, भगवान के लिए प्लीज। बाकी की सारी रस्सी नीचे गिरा दो, तुमने जैकी को मार ही दिया था। क्या तुम सुन रहे हो? रुको, क्या फर्बी अभी भी जिंदा है? दोस्त, क्या तुम ठीक हो? तो रेडियो पर सच में वही था। मदद करो। कौन हो तुम? टेलर, मदद करो मेरी। प्रोफेसर हॉपर, क्या वो आप हैं? फर्बी। कौन है? इस चैनल पे बात कौन कर रहा है? मैं फर्बी हूँ। हो रहा है? ये
यहां कुछ अंदर है, लेकिन वो हॉपर नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे बारे में चिंता मत करना, बस चैनल पे ध्यान रखना। वो ठीक हो जाएगी, कुछ भी हो जाए तुम ऊपर नहीं देख सकती, ठीक है? शुक्रिया। मैं समझ गई। तुम्हें समझ में आ गया कैरा? तुम्हें समझ में आ गया? बस एक बार में थोड़ा थोड़ा करो, मुझे माफ कर देना, मैं चुप हो जाऊंगी। वीवस, हमें इस समय इस चीज से बचना है। फर्बी की फुटेज है, ये मत देखो। मैंने कुछ ऐसा पहले भी देखा है। क्या? उसने कुछ देखा है यहाँ। तुम गाने को धीमा कर सकती हो? क्या तुमने ये देखा? वो वहाँ सूरज का रास्ता बदल रहा है। क्या? वो ऐसा क्यों कर रहा है? हे भगवान, सिर्फ सूरज ही नहीं है। क्या? ये तो मौसम है। बात ये है कि नीचे जमीन पर चीजें अलग होती हैं। ओह गॉड, ये तो बिल्कुल सागर की तरह लग रहा है। ये तो लहर है। आप क्या बोल रही है? मैंने कहा ना, जमीन की चीजें अलग होती हैं और हम सब यहाँ एक घंटे से हैं। वहाँ क्या हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ। गाइस, यहाँ नीचे क्या चल रहा है? वीडियो में क्या है? ये बुरा है, बहुत बुरा। गाइस, वीडियो में क्या है? ये सब पुराने साल का है। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। सच में? तुम्हें क्या लगता है वो साल था, वो दिन नहीं था? कितना लंबा टाइम था? हम यहाँ काफी घंटों से हैं। ओ, हे भगवान, क्या रहा? देखो जैकी, आराम से। क्या तुम ठीक हो? ये क्या है? क्यारा, क्यारा ध्यान से, क्यारा ध्यान से, क्यारा आराम से, संभल के। हे क्यारा, ऊपर चलो। ये चीज बहुत बड़ी है। ध्यान से सुनो, कुछ नीचे आ रहा है। क्या है वो? ये तो बहुत बड़ा है, जल्दी करो, जल्दी। वीवस, रुक जाओ। हे, वहां से हट जाओ। हे भगवान, मुझे वापस ऊपर नहीं जाना। क्या है वो? वो कहाँ से आया है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो, यहाँ चलो चलो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। आराम से, संभल के, संभाल के, आराम से। ओके, संभाल के चलो। ठीक है, नीचे चलो। दोस्तों, ये दर्द हो रहा है। ठीक है, नहीं नहीं गाइस, मुझे रुकना होगा। गाइस, इस तरफ। ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो पीछे रह गया है। नहीं नहीं, वो आ रहा है। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। जल्दी चलो, आराम से, संभल के। इस तरफ, मुझे लगता है ऊपर रोशनी है। इस तरफ लाइट देखो। रुको, ये आग है, वो देखो। पर ये आग क्यों है? दोस्तों, कोई आया है यहाँ पर। वीव्स, जाके की मदद करो, ठीक है? मैं इसे देखती हूँ। सांस नहीं चल रही, पर शरीर गर्म है।
क्या वो मर गई? हे भगवान, क्या ये तो हॉपर की माँ है? क्या कह रहे हो? वो 40 साल से मरी थी, शायद वो काफी पीछे रह गया। टेलर, उनकी फोटो देखो। ओ, ये तो हॉपर के पापा है। हाँ, वो लड़के कौन है? ओन गन के साथ क्या कर रहा है? ओ गॉड, जल्दी जल्दी इस तरफ, जाओ जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलो चलो। हम टेलर के लिए रुकते हैं, क्या तुम मुझसे वादा करोगी? प्लीज प्रॉमिस करो। ओके, ठीक है। वो ठीक है, चलो ठीक है। क्या ठीक हो जाएगा टेलर? चेला, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। चेला चेला प्लीज उठो। Taylor, oh my God, Taylor, Taylor, please wake up, Taylor, 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 what are you doing? Please, no. तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? रुको, जाओ। ये क्या हो रहा है?
उसे क्या हुआ है? तो अब हम क्या करें? संभल के। शायद उसे उसका मास्क चाहिए। क्या वो अब ठीक है? मुझे नहीं पता, वक्त नहीं है। सो गए? वीव्स, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, क्या तुम ठीक हो? क्या वो लोग सो रहे हैं? तुमने ये क्या कर दिया? ये सब हमने नहीं, उसने किया। तुम कौन से साल से आए हो? प्लीज बताओ तुम कौन से साल से हो? क्या हुआ इन्हें? वो सांस नहीं ले पा रहा है। बच्चों, तीन कॉलेज के बच्चे और स्कूल के बच्चे 14 दिन से लापता और हमें लगता है कि वो पश्चिम की तरफ काफी दूरी तक गए हैं। नर्विस और विल्सन कंट्री के सफारी डिपार्टमेंट के कुछ लोग हमारी मदद के लिए तैयार हैं। प्लीज बता दो तुम कौन से साल से हो? बच्चों के पापा गैरी और मिसेस पेंटो जो काफी टाइम से मिसिंग है। बीच हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी इनसे बात करवाई। क्रेटर में आएगा पब्लिक से मदद मांगो। 2 हफ्ते हो गए हमारे बच्चों से हमने बिछड़ी, इसलिए मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ इस फोटो को देखिए और जहाँ भी ये बच्चे आपको दिखाई दे हमें जरूर बताइए। पुलिस को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। अंतरिक्ष में जाना चाहिए मनुष्य की कल्याण। मुझे नहीं लगता कि हम और ही 1000 वर्षों में अपने इस ब्रह्मांड को बचा सकते। इसको बचाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की, अगर हमें कल में जाना है तो बहुत बड़े आविष्कार करने पड़ेंगे। अमेरिका दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ा सपना होगा। लोग उसे आग बुला रहे हैं। 15 माइल लंबा और 2 माइल चौड़ा उस जहाज में 25,000 लोग आ जाएंगे। ऑर्बिट में एक बार दुनिया के हाइपर एक्सेलेरेटर ढूंढेंगे तो डिटेल्स भेजने की क्षमता रखता है मार्स। जैसे कि हम अंतिम कदम रख रहे हैं अपने घर मार्स पर, आशा करते हैं कि एक धरती पर क्या क्या ये तब हुआ जब हम नीचे थे? क्या ये सब सच है? हम इतने समय से कहाँ थे? ऐसा लगा जैसे 1000 साल बीत गए। इतना लंबा कि लोग 8 फीट के हो गए और दूसरी भाषा बोलने लग गए। तो क्या हम हमेशा के लिए फंस गए हैं? हमेशा के लिए? अगर हम ऊपर भी चले जाते हैं तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सबके घरों में क्या होगा?
मम्मी पापा का क्या होगा? हम अभी भी साथ ही है, जैकी और टेलर भी तो है हमारे साथ, हम इसका हल निकालेंगे। हम क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास दो विकल्प है, या तो हम अभी यहाँ से चले जाए, या तो स्वीकार कर ले कि हम यहाँ हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि अगर मनुष्य में ये बदलाव आ गया है तब समय से लड़ रहे होंगे जब हम ऊपर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास ऊपर जाने का रास्ता है। टेलर, हे भगवान, क्या हुआ? हॉपर यहाँ थे, वो नीचे आए होंगे दूसरी टनल से। टेलर, हमें जाना होगा। मैं जानता हूँ, मैंने कहा था मैं बिना ढूंढे उन्हें नहीं जाऊंगा। क्या? क्योंकि हॉपर को पता होगा हमें क्या करना चाहिए। ओह माय गॉड, सच में? एक मिनट रुको, ये काउबॉय के गन के बारे में क्या है? थैंक यू जैकी। चार गोलियां बाकी हैं। तुम लोग फ्रॉबी को लेके आओ, मैं वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे तो मेरा इंतजार मत करना। प्रोफेसर हॉपर, प्रोफेसर, मैं टेलर हूं। वो अटक गई है। मेरी बहन है, वो वहां फंस गई है। सब कुछ धीमा हो जाता है, जैसे तुम उसके अंदर घुसोगे सब धीमा हो जाएगा। वही है, आपने सब कुछ ढूंढ लिया। इस पूरे गुफा के सिस्टम की बनावट फाउंटेन की रक्षा के लिए था। हर लेयर की स्पीड अलग अलग है। फर्बी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जैकी,
रुक जाओ, अंदर मत जाना, मैं तुम्हें वहां से निकाल नहीं पाऊंगा। चलिए चलिए यहां से, चलिए यहां से, नहीं सकता। चलिए आप ठीक है ना? ये बहुत गंदा है, उन्होंने मुझ पर सीधा वार किया। ये पानी कुछ 100 फीट का है, चलिए चलते हैं, चलिए। रुको, बहुत हुआ, मैं अब चल नहीं सकता। शायद नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मैं 5 मिनट में मर जाऊंगा, चल जाओ, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हारे साथ चलने में, इससे पहले कि कुछ हो जाए यहाँ से चले जाओ। मैं सब झेल लूंगा, तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारी मदद की जरूरत है फर्बी को। हम यहाँ आपको छोड़ के जाने के लिए नहीं आए। मुझे वो मिल गया जिसके लिए मैं आया था, चलो जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। इतनी दूर नहीं है, मैं थोड़ी देर में शायद उन्हें वापस ला सकता हूँ। मुझे उन्हें उठाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फर्बी के लिए। इसको और कितनी देर लगेगी? कुछ सेकंड के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है फर्बी को ज्यादा समय लगेगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो वीव्स, मुझे लगता है हम ठीक है। उसे रोशनी देने के लिए तैयार रहना। ठीक हो क्या? हमें वो स्पेस वाले आदमी को भी अंदर रखना चाहिए, उसे हमारी मदद की थी। अरे नहीं, वो लोग आ रहे हैं, हमें जाना चाहिए। बस रोशनी दो, चलो जल्दी करो। वो लोग आ रहे हैं, भागो। चलो चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी करो, भागो, चलो 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 जल्दी। नहीं जाएगा, कम ऑन। चलो भागो, वो हमारे पीछे है। ओ, ये रोशनी चलना बंद हो गई। ये कैसे चलता है? हे, जाओ। वो आ रहे हैं। जाओ 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 जाओ, जल्दी करो। गाइस चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो 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 जल्दी करो। प्लीज क्या तुम ठीक हो? हाँ आराम से। जैकी आराम से समझ के। गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत है, पीछे कुछ बहुत ही गलत है। क्या है वहाँ? वहाँ पानी है। तुम क्या कह रही हो? पानी? मैं कह रहा हूँ ना, तुम ऊपर चढ़ो, जल्दी करो। कैरा संभाल के, कैरा ध्यान से, कैरा। कैरा मुझे पकड़ो, कैरा मैं हूँ, तो कुछ नहीं होगा।
जैकी। हे भगवान, हे जैकी, क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता ग्यारह, टेलर वो ऊपर आ रहे हैं। दोस्तों देखो, ग्यारह, ये एक तकलीफ वाला रास्ता है, एक बार मैं संभालूंगी। दीप्स तू पहले आओ, रुको, आ जाओ, रेडी। ओह गॉड, टेलर दीवार के उस पार। आखिर तुम कर क्या रही हो? मैं तुम्हें दीवार के उस पार मिलूंगी, बस आ जाओ। हे भगवान, कैरा मुझे नहीं पता था। सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ अपनी सांस रोक कर रखो। तुम तैयार हो? फर्बी और हॉपर का क्या? एक बार यहाँ से निकल जाए तो फिर हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, सिर्फ अपनी सांस रोकना। क्या तुम रेडी हो? मुझे ये पसंद नहीं है। Welcome back. ये जगह सही है, ये लो, ये यहाँ है। बीप्स। मॉम, डैडी। हाँ, बहुत कुछ है बताने को। ये कौन सी जगह है? खैर वैसे तो ये घर नहीं है, पर हम सब साथ हैं। साथ मतलब साथ साथ चलो भी साथ।